बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड, ये डायलॉग है दो दोस्तों के दरमियान, जो कि बात कर रहे हैं स्मोकिंग के जो बुरे असरात होते हैं उस पर। माई सेल्फ यानी मैं और मेरा दोस्त, ये डायलॉग कर रहे हैं। और डायलॉग के ज़रिए यू कैन लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, कैन स्पीक एंड लर्न फास्टली। इट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू लर्न इंग्लिश विद द डायलॉग। सो लेट अस स्टार्ट। Myself. Hello, my friend. How are you? Hello, my friend. How are you? मेरे दोस्त, तुम्हारा क्या हाल है? मेरे दोस्त, तुम्हारा क्या हाल है? Myself. Hello, my friend. How are you? My friend. My friend is applying me. Now I am a bit better, but you do not know that I am suffering from bronchitis. My friend, now I am a bit better, but you do not know that I am suffering from bronchitis. Mera dost jawab dete hai ki main ab behtar hoon. आप शायद जानते नहीं हैं कि मैं ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है उसमें मुबतला हूँ, उसमें मुबतला हूँ मैं। मायसेल्फ, रियली? बट व्हाई? के तौर पर क्यों? रियली बट व्हाई? मैंने पूछा, हकीकी तौर पर लेकिन क्यों तुम इसमें हो, ब्रोंकाइटिस के शिकार हुए? माय फ्रेंड, आई एम अ चेन स्मोकर एंड दैट इज द रीजन। मैं तसलसल के साथ सिगरेट पीता हूं और ये वजह है मुझे ये बीमारी लगने की। स्मोकिंग की वजह से ब्रोंकाइटिस होता है। Myself, I warned you several times, but you did not pay heed to my request. I warned you, मैंने बहुत दफा आपको तंबीह की, several times, but you did not pay heed to my request. लेकिन तुमने मेरी दरख्वास्त पर कोई गौर नहीं किया, हालांकि मैंने कई बार तुझे वार्न किया कि सिगरेट ना ज्यादा पिया करो। माय फ्रेंड, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड नाउ एंड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग इज सो स्ट्रांग दैट इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू गिव अप। और मैं अब काफी परेशान हूं और ये जो सिगरेट पीने की आदत है मेरी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब इससे निजात हासिल करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है निजात हासिल करना इससे। मायसेल्फ, यू शुड नो स्मोकिंग इज द ओनली थिंग दैट हैज नो बेनिफिट। इट कॉज़ सेवरल फैट डिजीज लाइक कैंसर, bronchitis, asthma. Even the people near the smokers are passively affected. आप जानते हैं कि सिगरेट एक ऐसी चीज है जिसका कोई फायदा नहीं। ये कई मौलिक बीमारियों का बायस बनती है, मसलन कैंसर, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दमा वगैरह। इवन द पीपल नियर द स्मोकर्स, और जो स्मोकर के करीब लोग होते हैं वो भी आहिस्ता से
इस बीमारी का शिकार हो रहे होते हैं। माई फ्रेंड आई नो बट आई हैव बिन caught by it fully and without smoking I become restless. मेरा दोस्त, मैं जानता हूँ, but I have been caught by it. लेकिन मैं अब इसमें इतना पकड़ा जा चुका हूँ and without smoking, बगैर smoking के I become restless. मैं बेचैन हो जाता हूँ, मेरी आदत इतनी डेवलप हो चुकी। Myself so peace tight to avoid it slowly and swear that you will not smoke again. अब राय मेहरबानी इससे जरा इतनाब करें और कसम खा लें कि आइंदा कभी सिगरेट नहीं पियेंगे। Once you can fully give it up, एक बार आपने अगर इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया तो कसम खा लें दोबारा सिगरेट नहीं पिएंगे। वंस यू कैन फुली गिव इट अप, छोड़ दिया। माय फ्रेंड माय डॉक्टर आल्सो सेड दिस, मेरे डॉक्टरों ने भी यही कहा। मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि मेरे डॉक्टरों ने भी यही कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट छोड़ दो, छोड़ो स्मोकिंग, इट इज अ बैड हैबिट, स्मोक किल द पीपल, वेरी डेंजरस हैबिट, वी शुड अवॉइड टू स्मोक अदरवाइज यू विल कीप बी कैच। माइसेल्फ अनदर थिंग इज दैट स्मोकिंग लीड टू द ड्रग एडिक्शन and you are lucky that you could realize the bad effect before causing something serious. और भाई साहब देखो, एक और चीज है कि स्मोकिंग इंसान को नशियात मनशियात की तरफ चली जाती है, ड्रग एडिक्शन की तरफ। एंड यू अब आप खुशकिस्मत हैं दैट यू कुड रियलाइज द बैड इफेक्ट, कि आप इसके बुरे असरात को महसूस कर रहे हैं बिफोर काजिंग समथिंग सीरियस, से पहले कि कोई संजीदा बात या संजीदा काम हो। माई फ्रेंड नाउ आई एम फुली डिटरमाइंड दैट समहाउ आई हैव टू गेट रिड ऑफ इट। और मेरे दोस्त ने कहा कि अब मैं मुकम्मल तौर पर पुख्ता इरादा बना चुका हूँ कि किसी न किसी तरह मैं इससे निजात हासिल करूँगा स्मोकिंग से, इंशाल्लाह। छोड़ दो स्मोकिंग, कोरोना पहले ही तबाही मचा रहा, अल्लाह ताला माफ़ी दे, लिहाजा वी शुड लीव द स्मोकिंग। माशाल्लाह and the determination is enough for this. pukhta irada iske liye kafi hai. jab aapne pukhta irada kar liya hai isko chhodne ka, it is enough, kafi hai pukhta irada. my friend I hope so, please pray for me. mujhe maine aisi ummeed kar li hai, brai meherbani मेरे लिए दुआ करना, प्रे फॉर मी, कि मैं इसको छोड़ने में कामयाब हो जाऊं। मे अल्लाह ब्लेस यू। माय सेल्फ मैंने कहा अल्लाह आप पर रहमत करे, अल्लाह आप पर रहमत करे। माय फ्रेंड बाय फॉर नाउ, बाय 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 बाय। जब किसी को से रुखसत होना हो तो फिर बाय कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इट इज अ गुड चैनल, यू कैन लर्न हियर स्पोकन इंग्लिश विद इन अ फ्यू डेज। इफ यू आर वाचिंग माय वीडियोस continuously I